हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका वर्क क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मार्केट में मेडिसिन आती है तो उस मेडिसिन के ऊपर लेबल रहता है और उस लेबल के में लिखा रहता है कि पैरासीटामोल या फिर कुछ अलग टेबलेट हैं, अलग जेनिक नाम से होगा या फिर ब्रांड नेम भी हो सकता है। बट अगर हम इसे देखें तो उसके अंदर जो पैरासीटामोल है वो एक्चुअल में उसके अंदर है या नहीं है, यानी वो कंटेंट है उसके अंदर कि नहीं है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हाँ इसके अंदर जो भी पैरासीटामोल की टेबलेट है अंदर, इसके अंदर पैरासीटामोल ही है, इसके लिए कोई ना कोई ऐसे जो होगा डिपार्टमेंट जो उसे चेक करेगा और उस डिपार्टमेंट को ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। यानी टेबलेट हो, कैप्सूल है, जो भी ड्रग है, इनकी जो टेस्टिंग करता है, यानी जो ये बताता है कि हाँ जो आपने क्लेम किया है, मतलब इसके अंदर अगर पैरासीटामोल है तो ये पैरासीटामोल है या नहीं है, इसके लिए जो क्लेम करता है वो डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। की बात है कि क्यों इसकी ज़रूरत है। देखो, अगर सबसे पहले जितना अमाउंट उसके अंदर लिखा है, यानी मतलब 500 mg की टेबलेट है और 500 mg की स्ट्रेंथ की टेबलेट है, तो और अगर 500 mg का जो एक्टिव है हमारे, यानी पैरासीटामोल जो 500 mg लिखा है, वो 500 mg उस टेबलेट के अंदर है या नहीं है, तो वो कैसे इंश्योर होगा। उस चीज़ के लिए इंश्योर करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। मीन्स कि जब जो क्लेम हो रहा है उस क्लेम के अंदर जितने mg की टेबलेट है उस mg की, देखो तो अगर सपोज़ टेबलेट जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो सपोज़ 5 mg की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, लेकिन जो ड्रग है वो ड्रग बनी है 20 mg की, तो इससे क्या होगा, अगर पेशेंट उसे खाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए अगर 5 mg लिखा है उसके अंदर एक्टिव 5 mg है, तो 5 mg है कि नहीं है, इस चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्टिंग की जाती है। और इसीलिए इसका डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक बार हो गया, लेकिन प्रोडक्शन के होने के बाद उसको कहीं ना कहीं चेक पॉइंट तो रहना चाहिए, और जो चेक पॉइंट है वही जो चेक पॉइंट होता है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है। अब समझते हैं इसका वर्क क्या है। लेकिन वर्क को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके अंदर सब पार्ट कितने होते हैं। सब पार्ट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल होता है, फिनिश प्रोडक्ट जो डिपार्टमेंट होता है, सेक्शन होता है अलग से, और उसके बाद स्टेबिलिटी होता है, जीएलपी होता है, माइक्रो वैल्यू माइक्रो सेक्शन होता है। तो इस टाइप से ये अलग अलग इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। बात करें सबसे पहले रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का जो वर्क होता है, मान लीजिए आपके घर में अगर जैसे आटा आता है, आटे से रोटी बनती है, तो जो आटा है वो एक रॉ मटेरियल है। ऐसे ही पैरासीटामोल का जो एक रॉ मटेरियल होगा, पाउडर होगा, वो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल, यानी मतलब जो रॉ मटेरियल होगा वो सबसे पहले स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा। स्टोर डिपार्टमेंट उसे रिसीव करेगा और इंटीमेशन दे देगा क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट का जो एनलिस्ट होता है वो प्रोडक्शन में जाके वहाँ से उसकी सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर रॉ मटेरियल आया है, उसको ओपन करके उसका कुछ सैंपल, मतलब एज पर जो रिक्वायरमेंट होती है, एसओपी होती है, उसके अकॉर्डिंग सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। जब ये टेस्टिंग हो जाती है, यानी मतलब जब आपने आटे की टेस्टिंग कर ली कि हाँ ये जो आटा है ये सही है, या मतलब किस चीज़ का है, गेहूं का है या फिर मक्का का है, इस टाइप से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिससे वो हमें उसे चेक करते हैं। जब ये चेक हो जाता है, रॉ मटेरियल इसे इंश्योर कर देता है कि हाँ ये ये जो रॉ मटेरियल है ये सही है, उसके बाद वो आगे प्रोसीजर करने के लिए कह देता है, यानी मतलब अपना एक डॉक्यूमेंट दे देगा, COA जिसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट दे देगा, और उसके बाद ये प्रोसीजर आगे होती है। तो ये जो वर्क होता है ये रॉ मटेरियल का होता है, जिसमें वो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसमें एक्सपीरियंट भी हो सकते हैं और रॉ मटेरियल भी होंगे, और कई बार वाटर की टेस्टिंग, ये सभी चीज़ें रॉ मटेरियल में करना पड़ता है। अब बात करते हैं PM मटेरियल। PM यानी पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो आपने टैबलेट देखी होगी, टैबलेट किसी न किसी के अंदर तो पैक है, और वो जो पैक है उसे पैकिंग मटेरियल कहते हैं, और वो पैकिंग मटेरियल के
मैं जो लिखी हुई हर एक स्पेलिंग या प्रोडक्ट का नाम या कंपनी का नाम जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल है कि नहीं, यानी वो सही है कि नहीं है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं चेक करने के लिए ही डिपार्टमेंट जो सेक्शन होता है ये पैकेजिंग मटेरियल सेक्शन होता है। इसमें फाइल से लेके टैबलेट की जो बोतल्स होती है या फिर ट्यूब में होती है, तो जितने में भी पैक होती है वो पैक हमेशा पैकेजिंग डिपार्टमेंट उसे चेक करके पहले देता है। जब वो चेक करके यानी सूटेबिलिटी उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये सूटेबल है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद वो फिर से ऐसा अपना COA बना के यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो इसका एक सर्टिफिकेट रहेगा वो जो स्टोर डिपार्टमेंट को दे देगा और उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए चला जाएगा। उसके बाद होता है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में जब हमारा रॉ मटेरियल और हमारा पैकेजिंग मटेरियल ओके हो गया उसके बाद टैबलेटें बनना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इन प्रोसेस आता है यानी मतलब जो ब्लेंड होता है, ब्लेंड को बनाया जाता है, मिक्सचर को अच्छी तरह से बनाया जाता है, यानी मतलब समझिए आपकी जैसे आटा है आटा को गूंद लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो, वैसे ही टैबलेट को जब लुब्रिकेंट जो रहते हैं उसमें मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है उसके बाद उसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसे फिर उसकी कोटिंग की आती है, कंप्रेशन की आती है, जैसे जैसे टैबलेटें बनती जाती है वैसे वैसे फिनिश डिपार्टमेंट में आता रहता है। फिनिश डिपार्टमेंट उसे ओके दे देता है अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने टेस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि उनके पास अलग HPLC UV अलग अलग ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्वांटिटी क्वालिटी और उसकी आइडेंटिफिकेशन को करता है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ऐसे CO बना के वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है जिससे कि वो फर्दर जो प्रोसीजर है उसका उसमें चले जाए। ऐसे ही जो स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी का जो सैंपल होते हैं जब हमें ये पता हमने प्रोडक्ट बना दिया है तो उसको प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी में रखा जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये देखा जाता है कि अगर हमने एक्सपायरी उसकी दे रखी है 24 मंथ की तो क्या वो 24 मंथ तक स्टेबल है प्रोडक्ट कि नहीं है, यानी अभी तो बन गया है, अभी उसका 99% रिजल्ट आ रहा है बट 6 महीने बाद 3 महीने बाद वो डिग्रेड हो रहा है, प्रोडक्ट का जो एस है वो कम हो जा रहा है, यानी मतलब उसकी जो प्योरिटी है वो कम हो जा रही है या फिर कुछ उसमें अलग से इम्प्यूरिटी जनरेट हो रही है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी जो स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट होते हैं इसमें अलग अलग चैम्बरें आते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर जिसमें लॉन्ग टर्म ACC होता है, तो उनके अलग अलग टेम्परेचर होता है, चैम्बरें होती है, चैम्बर के अंदर टेबलेट रखे जाते हैं जो कि 6-6 महीना जो भी उसकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बाद भी उसे 36 मंथ 48 मंथ तक हमें सैंपल को रखना पड़ता है, फिर उसके बाद चेक करके बताना पड़ता है कि हाँ ये जो टैबलेट हैं ये ओके है, मार्केट में इससे जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो अगर ये प्रॉब्लम अगर मार्केट कंप्लेंट भी आ जाती है तो एक्चुअली हमारे पास स्टेबिलिटी डाटा रहेगा, इससे ये रहेगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इतने सालों तक स्टेबल रह सकता है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का मीन्स ये होता है कि जो माइक्रोबल ग्रोथ होती है प्रोडक्ट के अंदर हो ना हो, यानी हो लेकिन कितने है उस टेबलेट के अंदर या इंजेक्शन के अंदर है, तो उस चीज़ों को भी कहीं ना कहीं उसे वेरीफाई करके दे देता है जिससे कि वो फाइनली किसी को बनता है, फिर वैसे ही वो कहाँ पे प्रोडक्शन में चले जाता है और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन से आगे जो कुछ भी फर्दर प्रोसीजर रहता है वो आगे जाके फिर जो मटेरियल होता है वो कंपनी से बाहर जाता है। ऐसे में और भी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे छोटे मोटे कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके लिए भी हम कुछ बेचेस ऐसे स्टोर करके रख देते हैं जिससे ये कि मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, मार्केट कंप्लेंट आती है, तो हम कंट्रोल सैंपल से अपने सैंपल निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का जो सैंपल होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा रहता है और एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है जिसके निकालने की, लेकिन कंट्रोल सैंपल को हम किसी टाइम भी निकाल सकते हैं, इसलिए एक अलग से रिजर्व रखा हुआ है मतलब स्टोर में रखा हुआ प्रोडक्ट रहता है कि अचानक कुछ भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें साथ साथ में इसके साथ वैलिडेशन भी एक सेक्शन होता है जिसमें ये जो मेथड होते हैं जिससे हमें SA निकालने पड़ते हैं, जिससे हमें प्योरिटी निकालनी पड़ती है, उन चीज़ों को वैलिड करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड होते हैं और उन मेथडों को भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो जो मेथड होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए जो डेवलपमेंट करते हैं उन्हें मेथड वैलिडेशन बोलते हैं, जिससे क्या है कि इसमें मेथड वैलिडेशन भी होता है और कहीं पर ये मेथड डेवलपमेंट के लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता है जिससे मेथड को डेवलप किया जाता है, बाद में उसको वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है मेथड का ही, क्योंकि अगर हम इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रूमेंट को भी की गलतियाँ ना हो उस चीज़ के लिए एक्चुअली पहले से हम वेरीफाई करना ज़रूरी है मेथड को। तो इस टाइप से डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है।
तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो MSc, BSc या बी फार्म जो होल्डर होते हैं यही अप्लाई करते हैं।